गोरिया चांद के अंजोरिया हाँ समिति गोर पारू हो तुम्हारा गोर के झूला को कहां से लाऊं? ठीक है जाओ राजमंत्री वाले चोपनी आछे एकरा फांसीए दे दे छियो महाराज चोपनी में छिए आई खमाउस इके होलखनी मलखनी होलखनी राज दरबारी हमारा आज से ये राज की महारानी है जाओ राज की नौरी बांदी को बुलाओ और महारानी को ले जाओ श्रृंगार भवन इनकी वस्त्र चेंज करवाओ आज से ये राज की महारानी है बोल लगा छ मलकान आ रहा बोले ना अब चो सके से जाओ प्रिय जाओ जाकर आराम करो आओ मेरी बांदी महाराज आहा के बच्चे में ब्याह भ गेल सही बात है हमरा तो जवानों में ब्याह नहीं होई छे चलो सिंगारू आप अच्छी अच्छी वस्त्र पहन लीजिएगा हाँ
महाराज अब कहिए महाराज कहाँ का पैगाम कीजिएगा। जाओ दरबारी सुनाऊं हाँ महाराज, जाओ जाओ सारे बराती को साज कर, आज चलो मैं अपनी ससुराल मानिकपुर के शहर चलूंगा। ठीक है महाराज, मैं सारे बराती और डीजे वाले को साथ में मैं बराती चलूंगा। सुनो डीजे पता है कहाँ से करना है? कहाँ से करना है महाराज? अरुण डीजे धमाका, डीजे धमाका जमथा चक्की के निवासी है। हाँ। उनका साउंड बहुत अच्छा है, उन्हीं का साउंड करना है। ठीक है चलो बराती साजो। चलिए महाराज मानिकपुर शहर चले आए हैं। जाओ महारानी को इस राज में जाकर खबर जनाओ कि महाराज कौंतलपुर शहर की महाराज जयभे सिंह झूला की गौना कराने के लिए चले आए हैं। जैसे क्या महाराज, मैं अभी राज दरबार में खबर लगाने के लिए जा रहा हूँ। द्वारपाल बताओ राजमहल की हाल समाचार कैसी है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अच्छा, बहुत खराब अच्छा मलका। अरे दोनों बात चाहता मैं छिट के साड़ी पिन के फिट हो लिए। कालिया माली, अरे आप हमारा कोई चेहरा वाला नहीं है छे जन्ना मन मयो पेन है छे और है छे अपना घर में आ तो ही किए है। कालिया मलका जुलम भगला की होले रे कालिया की तोहर नंदो से आइ गेल खनु कोना करबै ले जमाय के नंदो से आइ गेल। हां हे पायल गेल अब तोहर ननोज नै छतनु मलकान तब उ कोना करै के ककरा ले हमि चल जइयो मलकै चल जो न तोहे कहिए हमे झूला छिने हम आइयो। अच्छा मलकान हमे हुनकरा द्वार में चल जेबे त हुनका गांव वाला सब छोरा हमरा भौजी भौजी में कहते हैं। हां आई मालिक हमरा मालिक हमरा दर में सुतबो करता नहीं। बाप रे बाप, मालिक हमरा दर में मालिक सुतता नहीं बोलता नहीं हंसता नहीं सब बात ठीक है छे मगर धिया पुता होता है तो पिए में तो पिए में पिले में कुंती है। अरे जवा मालिक है सुधा डायरी में दूध मिले छे पिले है। बाप रे बाप वाला ई जुलम भ अमूल कंपनी दीपा वाला तो ये बता है आए घर मारो कोई नहीं। हाँ बाप रे बाप ये बढ़िया से मलकन और पर ले आ जा के मालिक कहबा कि झूले दीदी छथनी। अरे मंत्री हां बाप खाओ की के बेटा है ना हमरा को हे अब अच्छा अब अच्छा मलकन इन्ने आवान है इन्ने है कि बाप रे बाप हमें चिन्हबे नहीं करबो तू तोहर नंदोस के चिन्हनो लगे छिए हमें झूला छिए एकदम लगे छौ तू झूले दीदी छौ तो ई पर बैठो हमें मालिक के कह के आबै छिए लगे छिए सब गोटा नहीं छतनी। प्रणाम महाराज। क्या सिपाही क्या खबर लाए हो? खबर महाराज यही है आज मौका बढ़िया है सब आपको जितना सार और जो सरोज है सब नोता पुण्य के लिए
लिए चले गए। चलिए महाराज, चलो चलिए महाराज। प्रणाम स्वामी जी। वाह, कौन? मैं झूला हूँ स्वामी। ओ झूला, हरे पगली, क्या तुम्हें मालूम था कि आज तुम्हारे आज गौना है? हाँ स्वामी, भैया ने मुझे बता दिए जो बहन तेरी गौना है। भैया और भाभी ससुराल गए, भाभी के भतीजे भतीजी की मूरत थी। क्या देखा जाए, मेरे आने से पहले यहाँ पे पूरा व्यवस्था हो चुका है। अच्छा कोई बात नहीं, प्रिय स्वामी कहिए ना। हाँ, ओपिंदर पास में चौकीदार जी के तरफ से 101 टका का पुरस्कार है, मेरे पार्टी के ओर से उनके धन्यवाद। अब चलिए ना, मुझे लेके चलिए, मैं तैयार थी आपके लिए। ऐ सुनो, अरे सबसे पहले मैं अपने धर्म पत्नी का चेहरा देखूंगा तब ना ले जाऊंगा। देखो तब ले जाबो। इने की भाई ससुराल लिए दूसरो ककरो लेके गौना करके चल जेबे हो। स्वामी जी, भैया ने कहे जो 9 दिन तक मुख किसी को नहीं दिखाने के लिए। ओ, आपके भाई साहब बोले है ना? हाँ बोले भाई। सुनाओ, लेकिन मैं तुम्हारा धर्म पति हूँ और तू मेरी धर्म पत्नी है। जब तक मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा प्रिय, तब तक मुझे संतुष्टि नहीं होगी कि मैं अपने ही धर्म पत्नी का गौना करा के ले जा रहा हूँ। स्वामी इसमें लगी क्या है, 9 दिन के बाद आप ही तो मेरी मुख को देखिएगा ना। चलिए लेके क्या ना हूँ बैठ जेबे मैयो। आप तो करे जा धक धक करे छे बाप रे। आए है घूंघटा तनी हटाए दो जमाए गे अब कहे अरुण जी तो ही लड़ा लग बैठो है दा बैठ बैठ। आए है घूंघटा तनी हटाए दो कि ये मोरी रानी घूंघटा तनी हटाए दो हेलीकॉप्टर से दुल्हा आयलो। स्वामी हाँ प्रिय, आप ना घबराइए, 9 दिन के बाद मैं अपनी मुख दिखा दूंगी। चलो ठीक है, चलो तैयारी करो, अब चलो अपने राज चलते हैं, जंतरपुर शहर चलते हैं। ठीक है चलिए स्वामी। आह बोलिया कहार लेके, बोलिया कहार लेके, अरे आइले पर बलमुआ आहो आहो कि आइले पर सजनमा कि सजनमा हो तोसे मन लगा बबनमा। I like
भाई हो कुछ कर सकते स्वामी जी जमा गोरो दुखाए गले कत्ते दूर जेते रातो मयो एलिया टूल टैक्स लिगा से ने एलिया जत्ते न जरकिन जत्ते न जरकिन के मां बाप जिंदगी में कहियो ऐसा जरकिन नहीं देख लो गल राय सिपाही सुनाओ सब खेल देख लो जाओ महल में जाकर खबर जनाओ कि महाराज झोला की गौना कराकर चला आए हैं सब साखी सब स्वामी जी स्वामी ऐसे रहो प्रणाम स्वामी जी खाब खुश रहो आज महारानी आई है जरा इनको अच्छी तरह से जरा स्वागत बात करो ठीक है स्वामी जी आपकी जैसी आज्ञा हो कि मैं तो आरती उतारू रे अरे झूला महारानी बांदी अरे जब तक मैं अपने धर्म पत्नी का मैं खुद चेहरा नहीं देखा हूँ अभी तक क्या वो तुम्हें दिखाएगी ठीक है महाराज आज नहीं तो कल मैं तो देख ही लूंगी हाँ सही बात है ठीक है जाओ जाकर महल में जाकर खुशियां मनाओ ठीक है स्वामी जी प्रिय कहिए ना स्वामी सुनाओ अब तो 9 दिन भी पूरा हो चुका है अब जरा अपनी चांद से चेहरा हमें दिखाओ अभी 2 दिन बची हुई है स्वामी अभी 2 दिन बची है 9 दिन पूर्ण में ऐसा ना अब ऐसा लगता है कि ये घी सीधी उंगली से निकलने वाली नहीं है क्योंकि जब तक उंगली को टेढ़ी ना करे तब तक घी बाबू निकलता नहीं है इसलिए इसके साथ हमें जबरदस्ती ही इसके घूंघट को हटाना होगा जमा ये जबरदस्त लगे प्रिय
आए लक्षण तोहर उधार भए गए। आहे देखे में लागई छे आ सुनरी हे आ तोहर चाल छ सुनरी देखे में लागई छे नथियोर लगे ने आहे सुनरी हे आ तोहर चाल छ सुनरी की देह पर आए हाय देह पर की देह पर सब डरा सुनरी हे तोहर चाल छ सुनरी हे ये बताओ आपने ऐसा क्यों किया, अपने ही ननद को आपने मरवा दिया और खुद झूला बन के अपनी ननद की ससुराल चली आई हो। लाठी नाक दियो झूला देखिए नंदो से जी मुझसे गलती हो गई। नहीं सुना चाहे मुझसे गलती हो गई क्षमा कर दीजिए। क्या तुम गलती की ही हो इसका सजा तुम्हें अवश्य मिलेगा मिलेगा। ये बताओ ननद भाई उमेर सिंह कहाँ है? ननद मेरी झूला मुझसे गलती हो गई तोर कपारे फाड़ दबो।